ठीक है, मैं आपको बता रहा था यहाँ कि एफ ई आपको यहाँ क्या लिखा है, एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ एम इज लेस देन एफ ई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम विल डिक्रीजेस, इन मीडियम विल डिक्रीजेस। आप यहां पे आपने क्या किया, ये हॉर्स को आपने समझा दिया, एक नंबर का है, एक नंबर का आपने इसको समझा दिया, बस ऐसे ही लिख दिया ये हॉर्स है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। कल मैंने आपको कूलम स्लैब इलेक्ट्रोस्टेट बताया है, तो कूलम स्लैब इलेक्ट्रोस्टेट पे कुछ जो हम अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको देखिए, क्वेश्चन टू चार्जेस प्लस टू क्यू एंड माइनस थ्री आर सेपरेटेड by a distance, separated by a distance a, right? A third charge plus q, where should it place between line joining to the charges as the net force between charges plus 2q and माइनस क्यू एज द नेट फोर्स एट चार्ज प्लस क्यू विल बी जीरो। क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि टू चार्जेस हैं, ठीक है, टू चार्जेस हैं, क्या है उनके नाम, क्या है, प्लस टू क्यू है और माइनस क्यू है, उनके बीच का सेपरेशन कितना है, ए है, कितना सेपरेशन है, ए है। अब वो कह रहे हैं कि एक थर्ड चार्ज है, तीसरा चार्ज है, उसको हम दोनों चार्जेस के बीच में, उनकी लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्जेस, बोथ चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज को हम कहां रख दें कि उस थर्ड चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम यहां पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, चलो इसका हम क्या करते हैं, ये सोल्यूशन लिखते हैं। तो क्या है, ये एक डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बना लिया, क्या ये लिख लिया, ये क्या है, ये प्लस टू क्यू है, ये यहां क्या है, ये माइनस क्यू है, राइट, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, सेपरेशन कितना है, इनके ए है, ठीक है, राइट। अभी कह रहे हैं ये थर्ड चार्ज जो है प्लस क्यू रख दो, कह रहे हैं थर्ड चार्ज प्लस क्यू रख दो, कहीं पे रख दो, सपोज यहीं रख दो, ये क्या है, ये सपोज ए बी है पॉइंट, और कह रहे हैं थर्ड चार्ज सपोज ले लो पॉइंट पी है, अभी मान लो हम यहां रख देते हैं, ठीक है, हम यहां रख देते हैं इसको, क्या चार्ज है ये चार्ज है प्लस क्यू है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये वाला माइनस वाला चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज पे करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको बीच में रख दिया, अब क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, देख लेते हैं क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको भगाएगा, धक्का देगा, लेकिन ये रेस्ट है, रुका हुआ है, यहां से कहेगा भाग जाओ मेरे सामने से, यहां बिल्कुल मत रहो, मैं तुमको पसंद नहीं करता, तो क्या करेगा, ये क्या लाइट चार्जेस हैं, तो अगर ये दोनों लाइट चार्जेस हैं
तो क्या करेंगे, ये प्लस टू क्यू वाला चार्ज इसको क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। कैसा फोर्स एग्जर्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, इट इज एफ वन, ठीक है एफ वन। और ये वाला, ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर अटैक करेगा, अपनी ओर करेगा ना, अपनी ओर। तो क्या होगा, ये सॉरी इसको एफ टू लिख लो, ये क्या हो गया, इट इज अ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्टेड बाई, एग्जर्टेड बाई माइनस क्यू चार्ज एट चार्ज प्लस क्यू। कहने का मतलब ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर लिया, कर लिया ना, अट्रैक्ट कर लिया, अच्छा कर लिया अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, किसकी अलॉन्ग होगा, यहां पर किसकी अलॉन्ग होगा, ये अलॉन्ग होगा पीबी, अलॉन्ग पीबी, यहां पर लिख लो किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग पीबी, ठीक है अलॉन्ग पीबी वेक्टर लगा दो। और यहां पर ये वाला जो प्लस टू क्यू चार्ज होगा, ये प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, ये रिपल करेगा, रिपल्सिव नेचर होगा ना, इसको भगाएगा, धक्का देगा ना, इसका क्या होगा, यहां पर ये लिख लो, अभी क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये फोर्स लिख लो, ये वाला चार्ज प्लस टू क्यू वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तो इसका क्या होगा, ये फोन हो गया, ये वेक्टर होगा ना भाई, फोर्स वेक्टर होता है, स्केलर है। अब एफ वन एफ टू क्या आप देख रहे हैं, एफ वन एफ टू आर इन द सेम डायरेक्शन, सेंस वेक्टर एफ वन एंड वेक्टर एफ टू आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों लग रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या, एफ नेट क्या होगा, एफ वन प्लस क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा भाई, दोनों का डायरेक्शन एक है, दोनों यूनिडायरेक्शनल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड कर दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहे हैं ऐसे ऐसे करो, क्वेश्चन बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा, दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो थर्ड चार्ज हमने रखा है इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों चार्जेस की वजह से इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो एफ नेट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ नेट क्या है, इट इज जीरो, एफ नेट क्या है, जीरो है। इसको इरेज कर देते हैं, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, जो भी बताते चल रहे हैं उसको आप साइड बाय साइड उसको नोट करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैनुअल नोट्स चाहिए तो आप मेरे कॉन्टेक्ट पे आप फोन कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये है आपका 9793626597। ये उसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है कोई भी जानकारी है, कुछ भी आपको मोटिवेशन कमी होती है, आप मुझसे इस कॉन्टेक्ट पे आप फोन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। लेकिन मैंने बार बार कहा, अगर आपको मैनुअल लेना है, मैनुअल नोट्स लेना है, तो भाई आपको उसको पैसे देने होंगे, क्योंकि वो मेरे पूरे परिश्रम का वो फल है, वो मेरे दसों वर्ष का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का या मोर देन 10 इयर्स का, वो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का क्या है, वो फल है। इसलिए उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे, तो आपको वो मैनुअल नोट्स मिल जाएगा, कुरियर से आपको मैनुअल नोट्स भेजा जाएगा। मैं आ जाता हूं क्वेश्चन में, कह रहे हैं सिंस एफ नेट, कह रहे हैं सिंस एफ नेट किस पर, सिंस एफ नेट एट थर्ड चार्ज प्लस क्यू इस क्या है, इस जीरो, इसका मतलब एफ नेट क्या हो गया, सिंस एफ नेट क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। ये जो रिलेशन मिला है वन है, तो फ्रॉम वन, वन से क्या हो गया आपका, फ्रॉम वन क्या हो गया, तो ये हो गया एफ वन प्लस एफ टू क्या हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। और एफ वन और एफ टू की वैल्यू रख दो, अब ये देखो कितना पूरा डिस्टेंस है, ये प्लस टू क्यू और माइनस टू, प्लस टू क्यू और माइनस क्यू के बीच का सेपरेशन कितना, ए है। अब ये मान लो जो थर्ड चार्ज हमने रखा है, प्लस क्यू रखा है, ये फर्स्ट चार्ज ए से, फर्स्ट चार्ज प्लस टू क्यू से, प्लस टू क्यू से कितने डिस्टेंस पर है, ये आर डिस्टेंस पर है, सपोज ये आर डिस्टेंस पर है। तो ये आपको क्लियर हो गया है
ये अगर प्लस प्लस की चार्ज है, थर्ड चार्ज जो मिड में रखा गया, जो बीच इनके बीच में रखा गया है लाइन ड्रॉइंग में, जब वो चार्जेस प्लस टू क्यू एंड माइनस क्यू दोनों के बीच में जो थर्ड चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, उसका उसका क्या है, उसका सेपरेशन कितना है, मान लो आर है, कहां से प्लस टू क्यू से मान लो आर है, तो जो सेपरेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज होगा, जो द सेपरेशन बिटवीन चार्ज दिस थर्ड चार्ज प्लस क्यू एंड दिस द बेस चार्ज माइनस क्यू, कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा इतना ए है, इतना आर हो गया, कितना कितना बचा, क्या हुआ ए, कितना हुआ ये आर माइनस ए माइनस आर, ए माइनस आर, ए माइनस आर। तो एफ वन एफ टू वैल्यू रख दो, एफ वन कूलम्स लॉ से क्या होता है, सिंस एफ वन क्या है, अभी एफ वन का ले लो, सिंस एफ वन क्या है, एफ वन है के, ठीक है के, क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्या है प्लस टू क्यू, क्यू टू क्या है प्लस क्यू, क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्या है प्लस टू क्यू, क्यू टू क्या है प्लस क्यू, तो क्या हो गया के, क्या हो गया के टू क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो गया, ये आर लिया ना मैंने, इसको मान लिया आर है, कहां से सेपरेशन बिटवीन प्लस टू क्यू एंड दिस थर्ड चार्ज प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन कितना आर है, यहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड एफ टू क्या होगा, देखो ऐसे ही आपको प्यार से आपको जैसे ब्यूटीफुल्ली आपको क्या है आपको आंसर लिखने हैं कॉपी में एग्जाम में, नहीं तो अदरवाइज आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो एफ टू क्या है, एफ टू किन के बीच का फोर्स है, एफ टू किन के बीच का है, एफ टू फोर्स है किसके बीच का, प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा एफ टू, एफ टू हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू, और क्या होगा ये ए माइनस आर स्क्वायर, ए माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम माइनस साइन ये नहीं लेंगे, ये माइनस साइन नहीं लेंगे, माइनस से बताया गया साइन नहीं लेंगे, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहां पर सब कुछ हम क्या बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इस एफ वन एफ टू को इस रिलेशन में, जो मान लो ये टू है, ये रिलेशन मान लो टू है, इस टू रिलेशन में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे, हम इस रिलेशन में रख दें, ठीक है रख दीजिए, क्या हुआ ये इसमें रख दीजिए क्या के, ये क्या हुआ, ये होगा टू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट प्लस के, ये क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस आर का होल स्क्वायर, क्या होगा जीरो होगा, ठीक है इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा के टू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा ये, यहां से आप क्या देखेंगे, ये कैंसिल हो गया है, ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है क्या बचा है यहां पर टू बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ए माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है।